जहां डे बाय डे पुकी बाबा इंटरनेट पे डार्क और सिग्मा मेल बनते जा रहे हैं, वहीं ईयर बाय ईयर इंडिया में एप्पल की ग्रोथ भाई आसमान चूम रही है, जिसका मेन रीजन है आईफोन के कम होते प्राइस। भाई लिटरली अभी जो एक महीने बाद सेल आने वाली है, उसके अंदर आईफोन आपको कोड़ियों के भाव मिलने वाले हैं। और अभी एक और चीज की सेल बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, और वो है एप्पल मैकबुक एयर M1। इस लैपटॉप को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 4 साल के करीब होने को आए हैं, लेकिन फिर भी इतना कमाल का दिखता है और बहुत ही प्राइस में बिकता भी है। आज के 1 साल पहले मैंने इसको दुबई में खरीदा था 56,000 रुपीज का, और ये एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक है। तो मेरे पास इसके रिगार्डिंग 2 सबसे कमाल एक्सपीरियंस है, एक इसको सबसे सस्ता खरीदने का और दूसरा इसको 1 साल यूज करने का। तो मैं आपको बताऊंगा क्या इसको 2024 में खरीदना सही रहेगा, सारे कंफ्यूजन करेंगे दूर, लगा के सारा दम कम वैसा सब्सक्राइब बटन पे कर दो। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन एंड लुक की, तो भाई बात शुरू होते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक तो ये एप्पल का कटा हुआ लोगो, अमीरी एप्पल के लोगो से स्टार्ट होती है, ऊपर से इसका रोज गोल्ड कलर, एक तो एप्पल और ऊपर से ये गोल्डन कलर, लोगों के दिल में इसके लिए इज्जत अलग ही रहती है। भाई ये कटे हुए लोगो वाले डिवाइसेस किसको नहीं चाहिए, दुनिया पागल है इन सब के लिए। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो 9 सितंबर को नजारा लाइव देख लीजिएगा। और इंडिया में तो एक क्रेज और भी नेक्स्ट लेवल चला जाता है भाई। अभी अभी एक घटना निकल के सामने आई कि भाई एक सुपुत्र ने अपनी माँ के 6 महीने की कमाई, माँ बेचारी फूल बेचती थी, इतना पैसा हमके लिए आके दिया सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मेरे को एक ही चीज कहनी है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसकी बॉडी पूरी एल्यूमिनियम की है, उसके बाद भी कितना स्लीक और कंफर्टेबल फील होता है ये, मतलब जिस लेवल पे इसने 0 फिगर मेंटेन किया है वो भाई काबिल तारीफ है। इतना पतला होने के बावजूद भी एक सिंगल हाथ लगा के आप इसकी लिड ओपन कर सकते हो, और इसका वेट बिल्कुल भी आपको जताता नहीं है कि आपने एक लैपटॉप पकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल टेबलेट की फील देता है। हाँ थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन वेट में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। और ऊपर से ये इतना प्रीमियम है, आप खुद को प्राउड फील करोगे जब आप इसको लेके चलोगे, मतलब पूरी बिजनेसमैन वाली फील आने वाली है। और ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार ये मेरी हाइट से गिर गया, यहाँ साइड से इसको थोड़ा सा इंपैक्ट आया है, एक छोटा सा दिखता है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, मतलब ताकतवर भी उतना ही है। इवन लुक वाइज ही नहीं, इसकी डिस्प्ले की तरफ आप देखोगे तो इसकी डिस्प्ले इस प्राइस में आने वाले विंडोज लैपटॉप से काफी ज्यादा बेटर है। ये एक 2K रेजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल, और इसकी कलर एक्यूरेसी डेफिनेटली कमाल की है, और एप्पल की जितनी भी डिस्प्लेज होती है उनकी यही एक खास बात भी होती है, बिल्कुल भी मैट फिनिश में नहीं है, ये फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा लगते हैं, फिंगरप्रिंट मैग्नेट नेक्स्ट लेवल है। और मैकबुक की डिस्प्ले और स्पीकर्स ने हमेशा ही इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट किया है, और इसके भी फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं, और इनका साउंड कुछ ऐसा है। भाई बेस इतना कमाल का है, लाउडनेस में मतलब सब कुछ, जो इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस निकल कर आता है, एनी डे ये किसी भी विंडोज लैपटॉप से बेटर है एट दिस प्राइस पर। एंड ऑब्वियसली मैकबुक है तो पावरफुल तो होगा ही, लेकिन कितना पावरफुल, 2020 का है भाई, क्या ये आज की एप्लीकेशंस आज की चीजों के हिसाब से मेंटेन्ड है उतनी पावर दे पाएगा? ये एप्पल का फर्स्ट लैपटॉप है जिसके अंदर एप्पल M1 चिप आई थी, अदरवाइज उससे पहले एप्पल के लैपटॉप इंटेल के साथ ही आते थे। बाकी ऑलमोस्ट दुनिया की जितनी सारी चीजें बच जाती है वो सारी हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो तो इसको बिल्कुल भी मत लेना, दूर से ही टाटा बाय बाय। और एप्पल के अंदर जो लेटेस्ट चिप चल रही है वो है M3, साइड बाय साइड देखो किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब डेफिनेटली M3 के स्कोर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू M1, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है जितना इसका प्राइस जस्टिफाई कर जाए, प्राइस बहुत ज्यादा है और स्कोर्स का ग्राफ इतना बड़ा नहीं है। तो अगर इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, ये सच में कमाल की चीज है, क्योंकि ये अभी भी मुझे 12+ hours का बैटरी बैकअप दे देता है, जो किसी भी विंडोज लैपटॉप से एक्सपेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आपके पास लेटेस्ट स्नैपड्रैगन X Elite ना हो तो वो कहीं इसके नियर बाय पहुंच सकता है, बाकी नहीं। लेकिन जो लेटेस्टली क्वालकॉम की X Elite चिप आई है वो टक्कर दे सकती है, लेकिन वो बहुत कम ही अवेलेबल है। लिटरली जिस लैपटॉप के अंदर इतने सारे काम होते हैं उसको बिना फैन के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये है, इतने सारे काम भी कर देता है, हीट भी नहीं होता और इसके अंदर फैन भी नहीं है। इवन अपडेट्स भी इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट वाले मिल जाते हैं, macOS Sequoia जो आपको सितंबर में मिलेगा वो सेम इसके अंदर भी आएगा। आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो इस प्राइस रेंज में बाकी लैपटॉप में शायद ही आपको देखने को मिलेंगी। एक तो ये एप्पल का लैपटॉप है, तो अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा कमाल एक्सपीरियंस फील होने वाला है। इसका जो इकोसिस्टम है वो आपको प्यार से इतना जकड़ लेगा ना, बिल्कुल आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे
गस की बाहें, क्योंकि अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई ओटीपी मिला डायरेक्टली आप इसके अंदर उसको स्विच कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने एयरपोर्ट्स खोले और आपको कोई कॉल आ गया वो डायरेक्टली आपके फोन पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां से आप कॉल ले सकते हो। साथ ही में आप इसमें कोई नोट्स लिखोगे वो आपके फोन में आएगा, फोन में नोट्स लिखोगे वो इसके अंदर आ जाएगा। आप किसी भी विंडोज लैपटॉप को ऐसे बंद करोगे वो स्लीप मोड में चला जाएगा और जब ओपन करोगे तो वो टाइम लेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिंपली मैंने इसको ओपन करा और ये ओपन ही। तो सबसे कमाल चीज ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है, क्या आपको लेना चाहिए? तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप गेमर हो, एक हैवी गेमर हो, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप एडिटिंग करते हो 4K एडिटिंग स्पेशली, तो जितनी सारी लेयर्स आप 4K एडिटिंग में यूज करोगे या फिर जो रेजुलेशन होगा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर फैन है ना ही इसके चिप के अंदर इतनी पावर की 4K एडिटिंग आपको निकाल के दे। अगर आप एक बिगिनर हो एडिटिंग में तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप मीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप एक कोडर हो तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप राइटर हो तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, और स्टूडेंट है तो उसके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा है। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 70,000 rupees का मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक महीने का इंतजार कर सकते हो तो आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, DVD सेल, ये सारे देखने को मिलेंगे और उस वक्त इसकी प्राइस हो जाएगी 60 से भी नीचे। और अगर आपके जानकारों में कोई दुबई रहता है या फिर वहां से आप अरेंज करवा सकते हो तो अभी तो ये मुझे लगता है कि 50,000 के लगभग ही मिल जाएगा। और एक महीने इंतजार नहीं करना है। अगर BVD सेल की बात करूं तो ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है 30 September। बाकी आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ अभी के वक्त आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले बार वीडियो में, तो के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर देना।